और आज का टॉपिक है कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों, ठीक है, ये है टॉपिक एंड वी गोइंग टू डू द रिंग। उसके लिए हमने लिए है टोटल तीन ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज द टिरो, सेकंड इज द ओरेकल एंड थर्ड ये है दूसरा ओरेकल, ठीक है। तो हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो वी विल कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, तो करते हैं शफलिंग की शुरुआत। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा एंड यू कैन चेक आउट दैट वन, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट, चलो करते हैं शफलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, बाद में कार्ड भी करेंगे। सो लेटर ऑन देखते हैं क्या रीडिंग आती है। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों, वाओ कार्ड अभी पहले से ही आ रहे लग तो रहा है ऐसे। ये आ गया पॉपुलर, इसमें देता हूँ, ठीक है। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों, अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स आते हैं क्या, ठीक है। ठीक है, दो बार शफलिंग करते हैं, कार्ड आ गया तो ठीक वरना हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। चलो इसको रखते हैं साइड में। नाउ वी गो टू दिस ओरेकल, देखते हैं से क्या रीडिंग आती है। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। ओके, चलो ये दो और दो कार्ड नीचे गिरते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, आई पुट देम बैक हियर और करते हैं शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। अब दो ही बार शफलिंग करते हैं, देखते हैं कोई कार्ड। ओके, चलो एक कार्ड आ गया, ठीक है, इसको भी रखते हैं साइड में। एंड फाइनली दिस ओरेकल, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता ये बहुत ही हेवी है। देखिए एक कार्ड आ गया और देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आते हैं क्या। ओके, ठीक है, अब एक और कार्ड यहाँ पास, ठीक है। तो देखते हैं अब दो बार और शफलिंग करके अगर कार्ड आ गया तो ठीक, नहीं तो हम एक ही कार्ड लेंगे, ठीक। चलो एक ही कार्ड लेते हैं। सो हियर वी गो, ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग लाइक वाइज, ठीक है। सो पहले मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स डू द रीडिंग, ठीक है। तो क्या कार्ड है, पहला ही कार्ड जो आ चुका है, थ्री ऑफ सॉर्ड से यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंड थ्री ऑफ सॉर्ड इज व्हाट, देखो यहाँ पे जो थ्री ऑफ सॉर्ड है इट्स ऑल अबाउट द एयर साइन का कनेक्शन, यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। जेमिनी लिब्रा ये दोनों ही ड्यूअल साइन है एंड लिब्रा को तो आपको पता ही है इट्स लाइक मेंटेनिंग बैलेंसिंग, एंड जेमिनी दे आर लाइक पार्टी स्टार्टर, या फिर जिसमें कहते हैं कि भाई अट्रैक्ट करने वाला, ध्यान खींचने वाला, ओके, मोस्टली उनका चलता है, बट वेरी चंचल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं वो, ठीक है। तो एन एक्वेरियस इज लाइक दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ देयर ओन विजडम, ठीक है। देखो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ गया है, कहीं ना कहीं पे बातें ऐसे कि दिस पर्सन इज रियली इन डायर नीड ऑफ समबडी हुम दे कैन ट्रस्ट, मतलब जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, ऐसे किसी पर्सन के तलाश में है वो। तो आपके लिए क्यों ये तड़प रहे हैं, ओके, सिंपल सा मीनिंग है, देखो इस पर्सन को बहुत झटका लगा है, या तो आपके बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, बातचीत नहीं हुई, या फिर इनका दिल टूट गया है किसी न किसी रीज़न से, शायद मे बी हर्ट हो गए हैं ये, ओके, या फिर अगर आप इस पर्सन को देखते हो तो अगर ब्रेकअप हुआ है किसी का, या फिर कोई किसी का एक्स बन चुका है, तो वो जो फीलिंग रहती है ना वो बहुत तड़पाती है। देखो सोचना तो इंसान कभी छोड़ता ही नहीं, चाहे फिर आप की एज कितनी हो, विषय अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन थॉट्स चलते रहते हैं, ओके, एंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि मरते दम तक थॉट्स रुकते नहीं हैं। हाँ, ध्यान करते वक्त ही थॉट्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं लेकिन वापस घूम फिर के आ ही जाते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड इज वेयर दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू बैडली, ओके, देखो जिस कारण से दिल टूटा है ना वो वजह उनको बार बार मतलब तड़पाती है। अब देखो अगर शरीर पे जख्म है तो हम उसको मलम कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदरूनी जख्म है और वो भी दिल पे, यू नो इमोशन, तो हम उसे मलम नहीं कर सकते, एंड दैट थिंग इज हैपनिंग विद दिस पर्सन।
सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइंस। एस ऑफ कॉइंस का मतलब देखो, आई थिंक ये पर्सन एक नए भरोसे की शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, रूट साइन। बातें ऐसे कि किसी न किसी कारण से अगर आपका भरोसा टूट गया था एक दूसरे के ऊपर से, या फिर भरोसा उड़ गया था, इसने तोड़ा था, या फिर कुछ भी हुआ था जिस कारण से भरोसा नाम की चीज़ नहीं रह गई थी, तो आई थिंक ये पर्सन वापस से एक शुरू करना चाहते हैं कि यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, यू कैन ट्रस्ट मी। अब डिपेंड्स कि आप उसे ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो आपके ऊपर है। देखो कुछ लोग क्या होता है कि जैसे कि आपको ठेस पहुंची तो आप उससे सीख लेते हैं, एंड कुछ लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती मेरी थी, मैं वापस से ध्यान रखूंगा, वहाँ पे तो ठेस लगनी ही वाली है। देखो दो एटीट्यूड है, तो इसमें से आपका कौन सा एटीट्यूड है ये आप डिसाइड करोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स। टोटल सॉर्ड्स ही आ गए इस रीडिंग में। सॉर्ड्स गेन एयर साइन, लेकिन यहाँ पे है एट ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन के लिहाज से अगर ये आपकी तरफ देखता है तो कहीं ना कहीं उसे लगता है ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से आपको देखता है, मे बी आप भी उनके लिए तड़प रहे हो, या फिर आपके दिल में आज भी उनके लिए फीलिंग्स हैं ये उनको पता है किसी न किसी तरीके से। मे बी बिकॉज जो आप पोस्ट डालते हो सोशल, या फिर जिससे का कम्युनिकेशन आपका होता है उनसे। उससे सेकंड जो बात होती है कि मे बी अगर आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो ये पर्सन को लगता है कि एक गलती हुई थी इनके इनसे जिसके कारण ऐसा हुआ था। ओके, जैसे कि मान लो एक टेम्पटेशन वाला मोमेंट डालता है, जब किसी को लगता है कि काश मैं इनके बारे में भी सोच पाता, या फिर यू नो आई कुड बी विद दिस पर्सन, और फिर जज्बातों में आके या फिर कुछ ऐसा हो के ये पर्सन अपने असली रिश्ते को भूल जाता है। कई बार बहस होती है, अब ऐसे में इंसान को क्या होता है कि मन में अलग चल रहा होता है लेकिन दिल में अलग चल रहा होता है, तो दोनों क्रॉस हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो कोई मन से फैसला लेता है कि नहीं मुझे किसी और से कनेक्ट करना है, फिर पता चलता है नहीं तो मैंने गलत किया, तो फिर दिल तकलीफ देता है। ये जो कार्ड है वो है द मैजिशियन, नंबर वन। एक्चुअली दूसरा कार्ड है स्पेशल कार्ड का। मैजिशियन का मतलब है इसको लग रहा है कि कैसे भी करके वो आपको मना सकता है। ठीक है, दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ यू एंड कनेक्ट विथ यू, एंड वो आपको पाना चाहते हैं असल में कहे तो चाहे अगर आप कलीग्स हैं, या फिर आपको पता है कि वो पता है आप कहाँ पे काम करते हैं, आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, आपकी जो फेवरेट प्लेस है वहाँ के फोटोज़ डाल सकते हैं, कैसे भी करके ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द टावर। ठीक है, सो द टावर इज हियर, एंड टावर इज लाइक डिस्ट्रप्शन, एंडिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। में एक्चुअली एंडिंग ज़्यादा नहीं होता लेकिन डिस्ट्रप्शन ज़रूर होता है। कहीं ना कहीं इनका जो ईगो है वो भी टूट सा गया होगा। देखो यू कैन सी अ वुमन ओवर हियर इन द येलो, एंड यहाँ पे पूरी फायर जो है आपको येलो में दिख रही है, एंड ये जो क्राउन है वो तहस नहस हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो ईगो होता है ना इंसान का वो टूट जाता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फील करते हैं दैट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई कैन सर्वाइव, लेकिन एक्चुअली जब दिल टूटता है ना, जब उसका एहसास होता है तो बहुत मतलब तकलीफ़ होती है। जैसे कि मान लो कि किसी के यू नो, जैसे कि मान लो कि अचानक से हाथ चटक गया, फिर यू नो कुछ हो गया, तो उस तकलीफ को नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर में इतना तकलीफ होने लगती है कि बाप रे कितना दर्द है, वैसे ही है। तो आई थिंक द पर्सन इज़ फीलिंग द सेम राइट नाउ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो टू ऑफ कप्स। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच, या फिर इनके दिल के बारे में ऐसा कहेंगे तो ये सही वर्ड होगा, सही अल्फाज होंगे। देखो टू ऑफ कप्स का मतलब है कि इनके दिल को तसल्ली पाने के लिए जो ज़रूरी है वो आप हो। ठीक है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि दैट आई कैन बी विथ द पर्सन फिर यू नो हैप्पीनेस लिया और फिर उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका दिल तड़प रहा है और ये अपने दिल को शांत ही नहीं कर सकता। आई थिंक उन्होंने सब कुछ ट्राई किया होगा, स्मोकिंग कहो, ड्रिंकिंग कहो, दोस्तों से बातें करना कहो, इनफैक्ट डेटिंग कुड बी देयर, लेकिन आपके जैसा पर्सन को कहीं मिला नहीं होगा। और दिल कहता है कि नहीं भाई मुझे वही चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आपको सर्दी हुई है तो आपको स्पेसिफिक दवाई ही चाहिए, आप दूसरी कोई दवा ले ही नहीं सकते। उसी तरीके से कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप ही हो वो जो उनको हैप्पीनेस दिला सकते हो। ये इमोशन वाला कार्ड, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वो है द चैरियट। तो यहाँ पे कैंसर आ गया है। ठीक है, एंड कैंसर साइन इज ओवर हियर, इज ऑल अबाउट द चैरियट का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो ड्यूअलिटी में जी रहा है। एक तो तरफ आपकी तरफ तो आना ही चाह रहा है लेकिन किसी ना किसी वजह से रुक सा गया है। मे बी उसको लग रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है अगर वो थोड़ा सा भी जान पाए ना, तो उसके हिसाब से वो अपनी मंजिल तय करेगा
कि आपसे कब कॉन्टैक्ट करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है। मे बी आपको उनके एक फेवरेट ड्रेसिंग सेंस है आपकी, तो वो वही ड्रेस पहन के आएंगे, स्पेसिफिक टाइम पे आपसे बात करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें भी आपके लिए कर सकते हैं। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टैरो। अब देखते हैं अर्श ओरेकल से हमें क्या दिखता है। देखो, ये पहला कार्ड है जो कि है एंगेजमेंट, मैरिज एंड लिविंग टुगेदर। सो एज द कार्ड्स यहाँ पर जो हमें तीन चीज़ें दिख रही हैं, एंगेजमेंट, मैरिज और लिविंग टुगेदर। ठीक है, कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो सकती है मे बी कि ये पर्सन इस चीज़ के बहुत करीब है। या तो आपने इन तीनों में से कोई अगर ऑप्शन चुना होगा कि एंगेजमेंट, किसी की एंगेजमेंट टूट जाती है फिर वापस से वो रिपेंट करता है कि यार मैंने गलती कर दी, फिर लिविंग टुगेदर। कुछ लोग साथ में रहना प्रेफर करते हैं लेकिन फिर किसी न किसी वजह से स्प्रेड हो जाता है। आजकल कुछ लोग ऐसा फॉलो भी करते हैं। एंड मैरिज, कुछ लोग शादी करने के बाद फैसला लेते हैं कि वी शुड गेट अवे, वी शुड बी पार्टिंग आवर वेज, मतलब अलग अलग राहें चुनते हैं। तो या तो ये पर्सन ने ऐसे कुछ किया है एंड उसको अब पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडेंट हैव पार्टेड द वेज, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। या तो ये पर्सन इस किसी चीज़ के बहुत ही करीब है, ठीक है, लेकिन उसको एहसास हो रहा है कि शायद वो किसी और से अगर जुड़ भी ले, ओके, अगर उनकी शादी कहीं घर वालों ने तय कर दिया, फिर कोई उनको मिल गया है, फिर भी जो फीलिंग है, मतलब देखो मे बी उनको कोई पर्सन शारीरिक तौर से अच्छा लग सकता है, उनका उनका जो मन है वो भी अच्छा लग सकता है, क्योंकि इनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनका जो दिल है ना, इनका दिल वो बस आपके लिए ही तड़प रहा है। तो वो शरीर रूप से तो वहाँ पे होंगे लेकिन मन तो आपके यहाँ पे ही रहेगा उनका। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फन फ्रेंड। फन फ्रेंड का मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो किसी ऐसे से दोस्ती करके बैठा है, जैसे कि ना एक कार्ड होता है जोकर, कि जो अगर लग जाए तो आपको हेल्प मिलती है। तो उसी तरीके से आई थिंक ये पर्सन किसी से फ्रेंड की साथ में है जो टाइम बींग इनकी हेल्प कर रहा है। ओके, अभी उनका कलीग भी हो सकता है, उनका बेस्ट फ्रेंड या कोई भी हो सकता है जो उनको समझा रहा है कि भाई जो तुम्हारे लिए सही है वो करो। अगर सच में लग रहा है कि किसी से तुम कनेक्टेड हो और वो तुमने गलती की उनसे जुदा होकर, तो जाओ उनसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आई थिंक ये हो रहा है उनके ज़िंदगी में। एज रिगार्ड वो इमैच्योर मैन, इमैच्योर का मैन का मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बार बार सोच रहा है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी कुछ बेरंग सी हो गई है। यू नो, देखो कलाकार उसे कहते हैं जिसको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। आप उनसे इंस्पिरेशन छीन लो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये हो गया कि डॉक्टर के सामने से आप अगर पेशेंट निकालो, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसीलिए इमैच्योर मैन का मतलब है कि इस पर्सन को आपकी सख्त ज़रूरत है। अगर आप हो तो ये पर्सन अपने असली बिहेवियर में आता होगा, चाहे वो इमैच्योर बिहेव करे, कुछ भी करे, ये तभी प्रॉफिटेबल हो सकता है जब आप उसके साथ हो। वरना ये इमैच्योर बने मैच्योर बने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो हैज़ मेनी अफेयर्स। ये एक चीज़ हो सकती है, या तो उन्होंने बहुत सारे डेटिंग की है, और डेटिंग जैसे कि मैंने कहा था कि डेटिंग की है, डेटिंग करने के बाद भी इनको एहसास हो रहा है कि भाई जो आपसे जुड़ के उनको एहसास होता है ना, वो कहीं मिलता नहीं। कल ही मैंने एक कोरा में कमेंट पढ़ी थी दैट समबडी पोस्टेड कि किसी की, यू नो, कि वो 12 साल की है एंड उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है एंड उनको अभी यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, कोई फादर के घर, कोई मदर के घर। तो किसी ने कमेंट किया था कि सेम थिंग हैपेंड विद दैट पर्सन, कि वो सेपरेट हो गए थे अपनी बीवी से एंड जो डॉटर थी उनकी वो दोनों तरफ जा रही थी, कभी माँ के साथ कभी डैड के साथ, फिर उनकी जम नहीं रही थी, फिर कैसे उन्होंने सुलह कर ली वगैरह वगैरह। सो सिमिलरली हैज़ बीन अफेयर्स, मतलब क्या होता है कभी कभी कोई एक पर्सन जो है वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करता है कि अगर ये करूँ तो क्या होगा। ओके, लेकिन उसको फिर ये समझ में आता है कि ये सही नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वहाँ पे, फिर जो फीमेल पर्सन थी उसको समझ में आया कि फॉर द डॉटर्स सेक वी हैव टू बी टुगेदर, और फिर सब सही हुआ। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है यू हैव डन ऑल यू कैन। यस, आई थिंक इस पर्सन ने वो सब किया है जो ये कर सकता था। अब इसका जो मीनिंग आ रहा है उनको सीधे बताता हूँ, ठीक है। या तो ये पर्सन सच में आपके बारे में सोच रहा है और उसको लग रहा है कि आज भी होप है, या तो ये पर्सन सच में आपके बारे में सोच रहा है उसको लग रहा है कि जितना वो कर सकता था आपके लिए उतना उन्होंने किया। अब बारी आपकी है। अब अगर आप उनसे कनेक्ट करते हो जान के कि इनको आपकी ज़रूरत है तो चीज़ें सही हो जाएगी, नहीं तो किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है ट्रांजिशन। एज द मीनिंग सेज, आई थिंक यू कैन सी ओवर हियर सॉर्ट ऑफ डीएनए काइंड ऑफ थिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन सपोर्ट्स अवर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवर चेंजिंग नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड अवर लाइफ। देखो ट्रांजिशन मतलब बदलाव तो आते ही रहता है,
ठीक है, एंड बदलाव के कारण ही हम टिके रहते हैं। अगर बदलाव हुए नहीं, जैसे कि आप ह्यूमन हिस्ट्री देखो कैसे हम इवॉल्व हुए, एंड लाइक वाइज सिमिलरली आप देखते हो कि आप जिंदगी में इतने लोगों से मिलते हो, यू नो, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका कलीग है, कोई आपका बॉस है, कोई यू नो आपके साथ काम करता है, या फिर किसी को आप ऑर्डर देते हो, कहीं से आप चाय पीते हो, खाना खाते हो, इतने लोगों से आप बातचीत करते हो, ये आप ही हो ना। लेकिन लोग तो अलग अलग हैं, अलग लोगों से अलग तरीके से बातें करनी होती हैं, इसको हम कहते हैं बदलाव। आप एक तरीके से रोबोटिक वॉइस में तो बात नहीं कर सकते। इस पर्सन को भी शायद लग रहा है कि इसकी जिंदगी में बदलावों की ज़रूरत है। अब अगर ये बदलाव इनको आपकी तरफ खींचता है तो बहुत ही सही बात है, आप दोनों साथ में आ सकते हो। लेकिन अगर आपने ही फैसला कर लिया हो कि मुझे अब नहीं कुछ चाहिए और, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो गॉड्स ब्लेसिंग। ठीक, ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।